हेलो जी, मैं हूं आपकी फेवरेट नायरा बैनर्जी। अगर आप लव चाहते हो ना, खूब लव बन जाओ। सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर टेलीविजन अपडेट्स। योर फैंस आर वेरी एक्साइटेड टू यू नो वॉच यू इन सम न्यू अवतार। मतलब आप तो वैसी ही हो, नो डाउट। यू आर लाइक दिस ओनली लाइक एंजेलिना। टेल अस अबाउट द कैरेक्टर, हाउ यू गॉट इट एंड व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू गॉट दिस काइंड ऑफ। यू नो सी, मैं एक चीज़ तो समझ चुकी थी कि OTT एजी कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं। OTT में आप टीवी शो जैसा कॉन्सेप्ट नहीं सोच सकते हो। इट हैज़ टू बी एजी। बट मेरे कुछ रिजर्वेशंस थे। देर आर सर्टन शोज़ जो मैंने रिफ्यूज़ किया था, बिकॉज उसमें मतलब ऐसे सीन्स रहते हैं जो मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है या फिर मुझे कम्फर्टेबल नहीं है। और इसमें ऐसी बात नहीं थी। इसमें मैं भर भर के बोल्ड सारी बातें कर रही हूँ, बोल्ड अवतार दिखा रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं कर रही हूँ। तो वो मेरा सबसे बड़ा किक था। एंड इट वाज डिफरेंट, यू नो, यहाँ पे इस शो को इस तरह से शूट किया गया है कि ऐसी कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती दिखाने के लिए नहीं शूट की गई है। इट इज़ स्ट्रिक्टली बाय द स्टोरी, इट इज़ स्ट्रिक्टली बाय द इमोशन। ये स्टोरी है एंजेलिना की और उनके 1, 2, 3, 4, 5 लोगों की जो उसकी ज़िंदगी बन चुके हैं। एंजेलिना क्यों बनी, ये एक क्वेश्चन है। और ये लोग एंजेलिना जैसे क्यों बने, वो दूसरे क्वेश्चन है। सो द स्टोरी इज़ अबाउट दैट। अच्छा, टेल अस द 3 गुड क्वालिटीज अबाउट एंजेलिना, लाइक हाउ इज शी एंड यू नो व्हाट टिप्स शी इज़ गिविंग टू देयर यू नो स्टूडेंट्स को, क्या टिप्स देती है ऐसी खास। एंजेलिना पहली तो बहुत ही बोल्ड, बहुत बहुत बोल्ड, इंटेंस, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रीट स्मार्ट लड़की है। वो आपको कब उल्लू बना के जाएगी आप समझ भी नहीं पाओगे, आप पकड़ भी नहीं पाओगे। इतनी प्रैक्टिस है उसकी पूरे लाइफ में, मतलब इतना कुछ झेला है उसने ज़िंदगी में, इतना कुछ देखा है ज़िंदगी में, कि वो इतना कुछ जानती है। वो किस चीज़ को कहाँ क्या किस तरह से यूज़ करना है बहुत अच्छी तरह से जानती है। दिमाग बहुत शातिर है, लेकिन चेहरा बड़ा मतलब पर्स, लेकिन जो कैरेक्टर है वो बड़ा सॉफ्ट है। शी इज़ अ नॉटी गर्ल, शी इज़ नॉट अ बैड गर्ल, शी इज़ चर्पी एंड फन, बट शी टॉक्स अबाउट सेक्स, बट शी इज़ नॉट अ स्लट। यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसके दो साइड्स हैं। अभी एक डायलॉग भी था हमारे शो में जहाँ पे सरोज जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो सरोज को बोलती है, अरे यार मैं थोड़ा फ़ोन सेक्स करती हूँ और उसके पैसे लेती हूँ। तो सरोज चिल्लाती, क्या तू स्लट है? तो सरोज एंजेलिना बोलती है, तू पागल है क्या? मैं से फ़ोन पे बातें कर सेक्स की बातें करती हूँ, सेक्स नहीं करती हूँ जाके, जो तू मुझे स्लट बोल रही है, यू नो। तो इट्स अबाउट कैसे लोग जजमेंटल हो जाते हैं इंसानों के बारे में, पब्लिक कैसे लोगों के बारे में क्या क्या बोलती है। लेकिन हमें एंजेलिना की जो ओपन माइंडेडनेस है ना, वो उसको आपसे, आपको उस चीज़ से बड़ा प्यार हो जाएगा। एंड आई लव हर नेचर, आई लव हर माइंड, आई लव हर मोर देन हर ब्यूटी एंड द वे शी इज़, वे शी लुक्स। आई थिंक शी लुक्स वेरी सिंपल इन द शो। ऐसे शो में कोई भी रिवीलिंग कपड़े या ऐसे टाइप के किसी भी कपड़े नहीं दिए गए जिससे आपको लगे कि ओ ये दिखा रही है, वो दिखा रही है, क्योंकि वो हमारा इंटेंशन ही नहीं था कि हम अननेसेसरी स्किन शो करें या अननेसेसरी कोई सीन्स डालें। यू विल बी इन लव विथ हर माइंड, नॉट अ बॉडी। आई थिंक वी बोथ आर मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल। मैं उसकी तरह इतनी मैं स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। एंजेलिना स्ट्रीट स्मार्ट है, बट हम दोनों में एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी है क्योंकि हम दोनों ने दुनिया बहुत देखी है। मेरे डैड के बहुत ट्रांसफर्स हुआ करते थे, तो मैं अलग अलग शहरों में रही हूँ, अलग अलग लोगों से मिली हूँ। एंजेलिना घर से भाग गई थी, वो भी अलग अलग शहरों में रही है, अलग अलग लोगों से मिली है। तो एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी जो है हम दोनों में, और वो मेंटल स्ट्रेंथ हम दोनों का सेम है। नायरा की तरफ से या एंजेलिना की तरफ से कोई खास लव टिप्स, बिकॉज यू आर अ लव गुरु इन द शो एंड पर्सनली भी आई जस्ट गॉट टू नो दैट यू आर अ लव गुरु इन योर बैक टू योर स्कूल एंड कॉलेज डेज, सो यू नो एनी स्पेशल टिप। यार लव, लव एक बहुत ही अलग वर्ड है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लव को आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पा नहीं सकते, आपको लव खुद बनना पड़ता है। अगर आप लव चाहते हो ना, खूब लव बन जाओ। दैट्स द बिगेस्ट टिप आई विल गिव एनीबॉडी। जो समझ गया वो तो सही है, जो नहीं समझा
ऑल द बेस्ट ब्रो, बाद में मिलते हैं, ट्यूशन देती हूँ मैं. हेलो जी, देखो सब समझ में आ जाएगा. कैसा रहा, मतलब कोई ऐसी खास पूरे जब शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी खास बात आपको कुछ यू नो स्पेशल गॉसिप या यू नो पूरा गर्ल कास्ट है तो कोई ऐसी खास कुछ मस्तियाँ कुछ फन किया होगा सेट पर कभी? सेट पे तो हम लोग बहुत फन करते थे. एंड यू नो व्हाट, हमारे सेट पे सारे के सारे लोग कितने अलग हैं, मतलब सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ है. मतलब जब इतना, इट्स लाइक इंडिया, इंडिया हैज़ डाइवर्स कल्चर एंड पीपल एंड दैट्स व्हाट मेक्स इंडिया इंटरेस्टिंग. So Hello G is like a mini India where there are such diverse people, different kind of people, and they all come together and it's like a festival. तो हमारा पूरा सेटअप ही ऐसा था. It was good fun. What was her first reaction when she got to know that you are doing a Hello G and you are doing Angelina's character? So honestly speaking, मैंने last moment तक मम्मी को बताया नहीं था कि Hello G कर रही हूँ. मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि alt की shooting है, it's for an alt show, and she was like trying to ask me what. So I didn't tell her because see, it's a very edgy and bold concept. आप अपने parents के साथ पहले से ही कुछ बोल दोगे तो they start thinking a lot. You know, I wanted to show my performance. This is what I'm doing. And that would have a better impact because they would actually see the picturization of that rather than doing some khayali pulao in their head and you know getting all this thing. So now she's really enjoying. She asked me that day, acha listen, can I forward it to my relatives and my family groups and all. Then I told her that mommy, there is nothing in the show which will make you feel awkward or something. You can send. It's cool.